दिखाएंगे तस्वीरें यहाँ पर। हर्ष संघवी, अभी ये जैन देरासर हैं जिसको जैन मंदिर कहते हैं, यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, उनके परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ये पूजा अर्चना करते हुए, जो बाकी जो जैन मुनि हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन है, सब कोई है, लेकिन फिलहाल वो बात करना नहीं चाहते। लोकतंत्र का पर्व है, उसमें पहले सबसे पहले वो हिस्सेदारी दर्ज कराना चाहते हैं, जीत का पूरा भरोसा है, क्योंकि इस बार की जीत वो बेहद मायने भी रखेगी, क्योंकि लीड के साथ उनको जीतना है, जो ये कह रहे हैं कि बेहद लीड बड़ी होनी चाहिए, और पिछली बार 80,000 जो लीड थी उसको भी वो बढ़ाकर 1,00,000 से ज़्यादा लीड हो, ये वो उनके कार्यकर्ताओं की ओर से हैं। और बकनकी 182, अगर आप खुले बात करें तो उनकी सोट सीट को छोड़ दें, 181 सीटों की पूरी जिम्मेवारी वो अपने कंधों पर लेके अभी काम कर रहे हैं। उनकी सीट जो है वहाँ पर मजूरा, उस पर यहाँ पर उनके कार्यकर्ता, उनके परिवार के सदस्य, वो उन्होंने पूरी जिम्मेवारी संभाली है, वो बहुत कम समय दे पाए हैं अपनी मजूरा सीट पर, और सबसे ज़्यादा समय उन्होंने बाकी सीटों पर, चूँकि गृह राज्य मंत्री हैं तो जो सारी जगह से उनको इनपुट जो लेना होता है, या कहें कि सारी चीज़ें उसकी जिम्मेवारी है, वो उनके कंधों पर है। ये देखिए पूजा अर्चना दर्शन करते हुए यहाँ पर ये जैन मंदिर जो है मजूरा में ही, और यहाँ से जैसे ये पूजा अर्चना करेंगे उसके बाद वो जो मजूरा के पास जो सेंट्रल स्कूल है वहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ निकलेंगे। ये देखिए यहाँ पर घंट बजाई गई और यहाँ से निकलते हुए, और ये हर्ष संघवी यहाँ पर आ रहे हैं खासतौर पर, उनकी बहन वो भी स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़ी है, जो हमने बात की पहले। हर्ष संघवी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर नीचे उतरेंगे और उनकी बहन यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर, देखिए हमने पहले भी बात भी कराई थी, क्या पूरा पूरी तरीके से आशीर्वाद भाई को, हाँ, तिलक कर रहे हैं वो बता रही हैं, और इसीलिए कब से इंतजार कर रही थी न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत करते हुए। पूरा भरोसा है उनको कि हर्ष हैं वो इस बार, क्योंकि चुनौती को जो गुजरात में ये इस बार के चुनाव है वो ट्रायंगल चुनाव जिसको कहते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला, और उसमें भी इस बार की जिम्मेवारी जो कंधे हैं 36 साल की उम्र की कंधों पर ये पूरी जिम्मेवारी है, यहाँ नीचे आएंगे और इसके बाद वो सीधे जो मजूरा का जो सेंट्रल स्कूल है वहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उनके साथ उनके परिवार के बाकी सदस्य भी हैं, उनसे पत्नी से अगर बात करने की हम कोशिश करते हैं, वो अगर बोले हमसे, प्राची हैं, उनसे बात करते हैं। भाभी जी आपने भी काफी कमान संभाली थी यहाँ पर मजूरा में, अभी देखिए वो अभी बात करना नहीं चाहती, यहाँ पर मजूरा की जो जिम्मेवारी है वो उनके कार्यकर्ता और बाकी लोगों ने यहाँ पर संभाली, और इसी के चलते मैं कह रहा हूँ कि 181 सीटों की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है, उनकी सीट की जिम्मेवारी उनके रिश्तेदार या कहें जान पहचान वाले या फिर उनकी जो टीम है वो टीम ने संभाली हुई है। और आप देखिए तस्वीरों में हर्ष संघवी नीचे आते हुए, यहाँ पर पूरी उम्मीद के भरोसा है कि हर्ष संघवी पूरी जीत के साथ यहाँ पर बनाएंगे। ये है हर्ष संघवी की तस्वीरें आपको जा रहा है, उनकी जो बहन है वो विजय तिलक की जो बात कही कि विजय तिलक भी उनके चेहरे पर लगा है, सर पर होगा, और पूरी तरीके से भरोसा कि वो बहुमत के जो भी जो लीड है वो भी 80,000 से ज़्यादा की लीड के साथ वो जीते। पिछली बार जैसे मैंने कहा 80,000 जो लीड थी वो अब 1,00,000 को भी क्रॉस करे, ये उम्मीद के साथ सबसे बड़े मार्जिन के साथ सीट जीते, ये जरूरी। और आप तस्वीरें देखिए उनकी माँ के साथ वो आती हुई यहाँ पर देख रहे हैं, हर्ष सिंह भी यहाँ पर देख रहे हैं, और सीधे यहाँ से उनका विजय तिलक डाक तिलक जो होगा, और उसके बाद वो सीधे जो मजूरा का जो सीट है वहाँ पर जो सेंट्रल स्कूल है वहाँ पर वो पहुँचेंगे। मीडिया का ये आप देखिए किस तरीके से मीडिया उनको घेरे हुए हैं, यही दिखा रहा है कि किस तरीके से उनकी लोकप्रियता है यहाँ पर, और देखिए फूलों से स्वागत किया जा रहा है पर निकलेंगे। उनकी बहन है वो राग तिलक करेगी, वो जरा हम क्लोज आपको दिखाएंगे उनके
बहन के पास से उन्होंने जो बताया कि वो उम्मीद कर रहे हैं पूरी की भारी लीड के साथ जीते और इसी के चलते ये आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए। सूरत की बात है, मैंने कहा कि 181 सीटों की जिम्मेवारी और सबसे ज़्यादा जो दक्षिण गुजरात की जो 35 सीटें हैं वो 35 सीटें काफ़ी मायने रखती हैं। गुड मॉर्निंग।